तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? है क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी कितनी ज्यादा बता जरा यार, ये बताने की बात नहीं यार, तो गैस तो कर ना, कोई गैस गैस दे दे, गैस दे दे। लो जी, वी आर बैक, वेलकम बैक हो गया तुम सबका। वही वी आर बैक नहीं, वेलकम बैक हो गया तुम सबका। एनीवेज यार, अभी मैं यार इधर में हूँ, जोहेब के गेस्ट रूम में हूँ, बैठा था। अभी वो गया हुआ था फिर से बाहर काम किसी से, तो मैंने बोला चलो उसके आने से पहले पहले मैं भी, इंट्रो भी मेरा खत्म हो जाएगा, आपसे थोड़ी बातें भी कर लेता हूँ। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो अभी यार सुबह का टाइम है, बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला है, कमाल का मौसम है, लेवल का यार, ऐसे जैसे बारिश हो जाएगी 10-15 मिनट तक। लेकिन ये कि होगी नहीं बारिश, लेकिन ऐसे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं ना रोमांटिक वाला मौसम, वो हुआ है बाहर। तो खैर अभी मैं चलता हूँ, बाहर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा हुआ है। अभी खैर आपको भी पता चल ही जाएगा, जाहिर है सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से सुबह के 7:45 का टाइम है, 7:45 का टाइम है, 7:30-8 का टाइम है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, मैं देखा नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि सीधा सीधा उठा था मैंने ऐसे भी जो है ना ठंडी हवा में। अब हवा सुबह की लेनी चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए भी। वैसे भी अगर घर ही बंदा रहे, मतलब सोया रहे, बाहर ही ना निकले, ना कोई काम वाम करे, तो वो तो फिर फार्म ही चूचा हो जाता है ना। अभी समझ सकते हो ना। तो फाइनली यार मैं बाहर आ गया था, तो देखो यार मौसम चेक करो, आए 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 आए, कमाल है ले यार, लेवल हो गया। सुबह सुबह का टाइम है, मज़ा आ रहा है यार, अब व्लॉगिंग करने का ना इस टाइम पे मज़ा आ रहा है मुझे, कहते हैं ना कमाल हो गया। अब मैं जा रहा था हवेली की तरफ, फिर आपको एक चीज़ और दिखाने, आप कह रहे होंगे यार डेली हवेली चला जाता है कोई ना कोई चीज़ दिखाने। तो ये देखो अभी एंटर हो गया मैं हवेली। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये देखो यार अभी ये भाई पता क्या लेके जा रहे हैं, ये नहीं के पट्टे हैं आज, ये नहीं है, ये क्रैम्प बना हुआ है। और ये इन सारों जितने भी भैंस हैं ना, इन सारों का गोबर जा रहा है ब्रो, देखो आप। कह रहे होंगे यार सुबह सुबह क्या दिखा रहे हो यार, वो भी भाई निकाल ही रहे थे ट्राली, तो मैंने सोचा ये रैम्प बना हुआ है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये मतलब इधर से मतलब वो बढ़ते हैं, इधर से इकट्ठा करते हैं, मतलब इतना सारा ऐसे ना बंदा लेके जा सकता। तो इधर से ऊपर, इधर से मतलब आते हैं, इधर से ऊपर चढ़ के, इधर से और ये देखो ये देखो ये देखो, इधर से ऊपर चढ़ना है, इधर ट्राली लगा देनी है, ये देखो इधर से ट्राली अभी भी गई है, इधर से ट्राली लगा देनी है और इजी से इजी मतलब आराम से चढ़ जाता है ऊपर सारा। ये अभी इन्होंने जो है ना जितनी भी मतलब जिधर गंदम वगैरह या कोई मूंजी वगैरह लगाते हैं ना, उधर जाके फेंक देना ऐसे, मतलब क्या पता क्या होता है ऐसे ऐसे जो भी मिट्टी होती है ना, अब ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी मतलब वो ताकतवर हो जाएगी, उसमें मतलब ताकत आ जाएगी, वो एक पायदार मिट्टी हो जाएगी। तो अभी आ गए, अभी इधर भैंसों का चारा पड़ा हुआ, ये देखो सारा कितना सारा पड़ा हुआ यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये मेरे ख्याल से ये मकई है, हाँ ये है मकई, ये देखो ये मकई बड़ी हुई है, और इधर चोखर वगैरह भी पड़ा हुआ है, हाँ मकई है और चोखर है बस, बाकी तो खैर हरा भरा ही डलता है। ये तूड़ी भी पड़ी हुई है इधर पीछे इस वाले साइड में, इस वाले गोदाम में, ये आप देखो। अभी चलते हैं फिर से बाहर, दिखाता हूँ। जुहेब भी आ गया बाहर, वो गया हुआ था अड्डे पे, गया हुआ था लेने कुछ, गया हुआ था और वापस आ गया वो, ये देख सकते हो आप, आपके सामने है। क्या हाल चाल है ब्रो, ठीक हो? तो आ, 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 अब किधर गए हुए थे? घूमने के लिए। घूमने के लिए या वो कुछ लेने के लिए गए थे? घूमने के लिए। अच्छा घूमने के लिए गया था, पौंडी मारने सुबह। ओहो क्या क्या, फिर से बोलना। पौंडी मारने, पौंडी मारने, तो तेरे पास है, तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? है क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी कितनी ज्यादा बता जरा यार, ये बताने की बात नहीं यार, तो गैस तो कर ना, कोई गैस गैस दे दे, गैस दे दे, कोई गैस मतलब होता है ना, 3-4 से ज्यादा ही। 3-4 से ज्यादा है, तो सारों से बात करता है, 3-4 से ज्यादा जितनी भी है सारों से बात करता है। हाँ जी, मतलब ऑफकोर्स करनी पड़ती है, करनी, अगर ना करे तो नाराज हो जाती है। नाराज होती है तो उन्हें तो एक जाएगी तो दूसरी आएगी।
यार ये वैसे लड़कों का ये जो है ना ये पुराना वो स्टंट है जिसे बोलते हैं कि तो एक अगर चली जाएगी तो दूसरी है। तो अब क्या अगर नखरे दिखाएंगे तो ऐसे ही होंगे यार ये कि अगर अगर आपको गर्लफ्रेंड ना रखो तो आपको चलता नहीं है? चलते है बट होनी चाहिए ना यार, इंसल्ट मतलब, होती है। मतलब ये जो सारे आप काम करते हो इसके अदरवाइज भी तुम्हें टाइम मिल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाल लेते हैं टाइम बना लेते हैं। कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे। वो इतना टाइम कभी इन कामों के लिए निकाला है कि यार जी काम रह जाएगा ये रह जाएगा कि मैं कर लूं अदरवाइज काम अपने खत्म करके फिर जाते हैं हम उस साइड पे। काम खत्म करके फिर मतलब रात को है रात इजी को हो भी दिन को भी जब दिल चाहे बस दिल की बात है तुझे पता ये भी लोग अपलोड होना अगर भाई ने देख लिया तो देखने दो भाई को पता है भाई को पता है मेरी सारी बात। क्या बात है भाई तेरी तो क्या ही बात है फिर है बल्ले 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 देख लिया ना यार अब मेरी तरफ से अगर मेरी भी तो कोई नहीं ना मेरे पास एक भी नहीं है यार अब तेरी गलती है ना मैं क्या नहीं गलती नहीं है ये तुम गलती समझते हो ये गलती नहीं है भाई ये अपना अपना हिसाब होता है अपना अपना हिसाब नहीं है ये तेरी गलती यार अब मेरी 21 साल एज हो गई है मैंने अभी तक तेरी कितनी होगी सही एग्जैक्ट 20 अभी तो मेरी 21 है यार मैं क्यों नहीं रखी यार ये बता ना मैं देख यार इसमें सच वाली कौन सी बात है तू बोल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी नहीं है देख मैं तुझे बाय देता हूं थी ना मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है वो कोई भी नहीं थी ना वो नहीं है ही नहीं यार बस छोड़ अब मुझे ना बता वो सही बात है कोई भी नहीं थी है एक भी नहीं रखी करैक्टर की बात करैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करैक्टर बिल्कुल साफ है तू भी साफ रखा कर मेरा साफ ही है। ओ ये लड़कियां क्या है यार वैसे कुछ तो दूसरों की मतलब लड़कियां आज हैं कल नहीं है वो तो बात अलग है यार ये देख रहे आ जाती है एक जाएगी दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी मतलब इधर लड़कियों का मंडी लगी मंडी लगी हुई लड़कियों की पत्थर और ईंट उठाओ नीचे से लड़की निकलेगी यार क्या डायलॉग है तेरे पास है देख रही हो लोंडा फिर से लोंडा बोल रहा लोंडा नो लोंडा नहीं लौंडा तो फिर क्या हो अपना स्टाइलिश नाम बताओ स्टाइलिश नाम जेबी जेबी यस जेब तेरा नाम है जेबी ये तो स्टाइलिश ये तो निकनेम हो गया ना अपना भी स्टाइलिश नेम बता स्टाइलिश ही है पीछे वाला जो तूने चैनल का नाम रखा था स्टाइलिश में मतलब वो जो रिसर्च में भी नहीं आ सकता वो बता स्टाइलिश खोखर ये है स्टाइलिश खोखर सही है भाई सही है कल इंशाल्लाह फिर इससे और भी इन्फॉर्मेशन लेगी इसके तह तक जाएंगे इसके अंदर वाड़ जाना मैंने यार अंदर तो हाँ जी फिर आ गया था यार मैं हॉस्पिटल की छत पे जो है ना ये देखो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है इधर भी ये आप देखो ये जो ना ये मशीन ख़राब हो गई थी छत पे ना ये हॉस्पिटल की छत पे मैं ओके अभी हॉस्पिटल की छत पे सेकंड फ्लोर पे थर्ड पे भी जाऊँगा ये थर्ड फ्लोर है ओके हो गया तो ये अभी ना ये मशीन ख़राब पड़ी थी तो हम ना कल इधर खेले थे क्रिकेट खेले थे थोड़ा सा तो ये हमने बतौरे विकेट रखा था इसे विकेट समझ के ना ये आप देखो ना इसकी वो जो है ना थोड़ी शक्ल मतलब एरिया उतना ही है जितनी विकेट होती है इस वजह से हमने जैसे ना विकेट बना के कल इसे खेला काफ़ी ज़्यादा तो ये अभी सेकंड फ्लोर में आया था मैं ठीक है अभी आपको मैं ना दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर पर जाते हैं ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर मौसम देखो यार आप आज मौसम देखो क्या मज़े का मौसम है हवेली में भी आपको दिखाया था काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ेदार है आज रोमांटिक मौसम है यार घूमने फिरने वाला मौसम है लेकिन अफसोस कि हम कहीं जा नहीं सकते ये देखो यार सूख गया हुआ है पौधा यार चलते हैं छत पे ओके फाइनली थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं आज हम ये है जी थर्ड फ्लोर अभी फोर्थ फ्लोर भी है भाई वो लेकिन उसके ऊपर जो है ना टेंकी ही पड़ी हुई है लेवल है अब मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ ये ना मैं छत पे इसलिए आया था कि नीचे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है मैंने आपको उस दिन बताया था पीछे वाले ना व्लॉग में वीडियो में आपको दिखाया था कि रोड बन रहा है तो वो रोड लेबॉरेटरी से ना हॉस्पिटल 1 किलोमीटर की दूरी पर है ओके और उधर तक मतलब सूर से लेके सियालकोट तक ये बन रहा है रोड सारा तो कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ अगर मेरा मोबाइल जूम कर पाया दूर तक तो ये देखो ये क्या क्रेन लगी हुई है
उधर से मिट्टी उठा के इधर फेंकी जा रही है। ये देखो, ये देखो, अभी आज हमारे सारे हॉस्पिटल की लाइट जाने वाली है, जाने के वाली है बल्कि चली गई है, क्योंकि आज इधर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बंद होने वाली है। ये देखो यार, क्या तो व्यू आ रहा है यार, क्या ही गाँव में यार, एंड है। मैं कहता हूँ व्लॉगिंग छोड़ के आसमान की तरफ ही कैमरा करे रखो तो भी जो है ना अच्छा व्यू आने वाला है। इधर तक रोड भी बना है, इधर तक आगे तक अभी इन्होंने, ये देखो मिट्टी पड़ी हुई है साइडों पे, इधर तक भी इन्होंने आना है। ओके फिर यार, अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी है, बाद में फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, आप नहीं देखते तो मुझे भी एडिटिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, मेहनत लग जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फिर।